अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। जब हमारी एज 30 प्लस हो जाती है तो हमारे जो फेस का फैट है वो नीचे ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ढलकना स्टार्ट हो जाता है। जो आईब्रो है इस तरह से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। नीचे औरतों की आपने देखा होगा जो नीचे की तरफ आई होती हैं, और ये जो यहाँ पे फैट है वो नीचे लटका हुआ होता है। ये बिल्कुल हम 100% इसे रिवर्स कर सकते हैं फेस योगा करके। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फेस योगा ही बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने इस फेस योगा को डेली बेस पे करना है। रोज़ के 5-6 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट पे आएँ, 10 से 15 मिनट आप लोगों ने फेस योगा को देने हैं। और ये आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, जब आप टेलीविज़न देख रहे हो, जब आप रात को सोने से पहले, उस टाइम पे आप लोग कर सकते हैं। और करना क्या है, फेस बिल्कुल आप लोगों ने धो लेना है और हाथ में हल्का सा कोकोनट ऑयल लगा लेना है। सिंपल कोकोनट ऑयल बिल्कुल हल्का सा लगा लेना है, उससे जो सा है वो आपकी मसाज टाइप भी हो जाएगी और सारे वो मसल्स के अंदर तक वो कोकोनट भी चला जाएगा ऑयल। तो आप लोगों ने, अब हम पहले फोरहेड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये यहाँ पे इस तरह से, ये जो है माथे पे, यहाँ पे इस तरह से इकट्ठी हो जाती है स्किन। ये स्ट्रेस में, उस टाइम थोड़ा स्ट्रेस बॉडी को मिल रहा होता है। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हमने एक्सरसाइज छोड़ देनी है, हम लोगों ने इसको सीधा करना है अपने। ये जो हमारा यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं, इस तरह से इकट्ठी हो रही होती है स्किन एक्सरसाइज करते हुए, थोड़ा स्ट्रेस की वजह से, उसे हम लोगों ने एक्सरसाइज अपना फेस योगा करना है। उससे, उसके थ्रू उसे भी ख़त्म कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं वो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फोरहेड से। आप लोगों ने अपनी फिंगर्स को, ठीक है, फेस योगा के लिए वो मुख्तलिफ चीज़ें भी आई हुई हैं, आप लोगों अगर किसी के पास अवेलेबल हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आप लोग की, ये फिंगर्स, इसके थ्रू आप लोग अपना सारा वो कर सकते हैं कंप्लीट फेस योगा। अब ये देखें, इस तरह से अपने टर्न कर लेना है फिंगर्स को, और ये आँखों के ऊपर, ये आईब्रो के नीचे आँखों के ऊपर इसे यूँ प्रेस करना है। ज़ोर से आप लोगों ने इसे ज़ोर के साथ लेके जाना है आप लोगों ने इसे, इस तरह से यूँ, ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने आँखें बंद करके ये फिंगर के थ्रू इस तरह से आप लोगों ने इसे लेके जाना है अपनी आंखों के पास। मैं और थोड़ा पास हो जाती हूँ, पता नहीं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नज़र आ पाएगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे यूँ इसे ऊपर की तरफ उठाना है। जो ये फैट नीचे आया होता है या आ सकता है 30 प्लस के बाद, आप लोगों ने इसे ऊपर उठाना है। 10 टाइम इसे रिपीट करें। इससे आपकी ये रिलैक्सेशन भी मिलेगी, ये सारे ये मसल्स को रिलैक्स मिलेगा आप लोगों का ये करने से। उसके बाद आप लोगों ने ये फर्स्ट स्टेप में यूँ कर लेना है, उसके बाद सेकंड स्टेप में इस तरह से यूँ। ये मेरा यहाँ पे स्काफ आ रहा है, आप लोगों ने ये बगैर स्काफ के करेंगे तो ईजी आप लोगों को ये लगेगा, इस तरह से बाहर की तरफ यूँ इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों ने हाथों से इसको इस तरह से बाहर की तरफ प्रेस करना है, और जो ये आपका ये मसल्स हैं इनको अंदर की तरफ लेके जाना है, मूवमेंट करानी है इनकी। यूँ इस तरह से करके, यानी कि ये इसको बाहर की तरफ यूँ खींचा हुआ है और अंदर से मैं इनको मूव करा रही हूँ, अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ, इनको मूवमेंट करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से दबा के ये जो यहाँ पे है मसल्स को स्ट्रेचिंग हो रही है इनकी। थर्ड स्टेप, ये भी आप लोगों ने अपना, मैं स्पीड के साथ करूँगी कि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों ने इसे अपनी तसल्ली के साथ इसे आपने रिपीट करना है, और डीप ब्रीदिंग करते जाना है इसको करते हुए, रिलैक्स मोड में करना है। डीप ब्रीदिंग भी आपकी हो जाएगी और ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो इसके बीच में ये है जगह, यहाँ पर आप लोगों ने इसको ऐसे प्रेस देना है। अभी आपका फोरहेड का हो गया। अब यहाँ पर बहुत लाइटली, आंखों के नीचे बहुत सॉफ्ट जगह होती है, यहाँ पे आपने लाइटली इसको मूव कराना है। ये जो सारे यहाँ पे स्किन आ रही होती है, झुर्रियाँ हो रही होती हैं, ये उनके लिए, और ये बहुत इफेक्टिव है। अब मैंने स्टार्ट किया था रमज़ान में, फिर बीच में ये सारा गैप आ गया है चैनल पे काम की वजह से, तो लेकिन अब मैं दोबारा से इसे स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रात के टाइम करती हूँ, ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है, डीप ब्रीदिंग भी थोड़ी साथ में ही हो जाती है,
डीप ब्रीदिंग, और इसको आप अपना एक टाइम पे रखें ना कि मेरी डीप ब्रीदिंग भी हो जाएगी, साथ में फेस योगा भी हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसको इस तरह से भी 10 टाइम आप लोगों ने इसे कर लेना है ना। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये जोन सी ये जगह है ना, ये वाली, इनको टाइट करना है, मसल्स को यूँ टाइट करके आंखों को आपने इस तरह से यूँ इस तरह से बंद करना है, ठीक है। यहाँ से टाइट करके इनको खींच के यूँ फॉक्सी स्टाइल बनाना है आप लोगों ने। यहाँ पे ये सारे मसल्स खिंच जाएंगे। अब इस तरह से आंखों को अंदर की तरफ आप लोगों ने झपकना है, अपनी आंखें बंद करनी है, मसल्स को ये स्ट्रेच कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, सारा स्किन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है ना, बिल्कुल देखिएगा। हम अब स्टार्ट करेंगे ना, 1 महीने बाद हम लोगों ने खुद को देखना है, और हम लोगों अपने फेसिस पे हम लोग बिल्कुल इसका वो पाएंगे कि चेंज आया है हमारे फेस पे। अब गर्मी की वजह से जो डल होएगी स्किन, क्योंकि एक्सरसाइजेस तो करनी है गर्मी में भी, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि डल हो रहा है थोड़ा स्किन इस तरह से हो रहा है। वो जैसे ही चेंज होगा सितंबर अक्टूबर में मौसम, तब वो डलनेस ठीक हो जाएगी। लेकिन जो ये फेस योगा से जो स्किन मसल्स हैं टाइट होने हैं, वो सारा कुछ वो एक अलग चीज़ है। ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद ये दोनों फिंगर लेके ये नाक की ये बोन को यहाँ पे प्रेस करना, होता क्या है, इतनी खूबसूरत होती हैं फीमेल्स, औरतें सब लोग, वो फैट ने सारा उनका फेस कवर किया होता है, उनका सारा जो सा है वो फेस असल जो फीचर हैं वो उनके नज़र ही नहीं आ रहे होते हैं फैट की वजह से। ये एक्स्ट्रा फैट को हमने ख़त्म करना है, और जो चीज़ जहाँ पे फैट जानी चाहिए यहाँ पे फैट होनी चाहिए, जो नीचे आई हुई है हमने इसे उठा के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे फैट आई होती है हमने यहाँ से उसको ख़त्म करना है, फैट को यहाँ पे आई होती है। इसकी मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी बताई हैं, वो भी करनी है प्लस फेस योगा में भी, ठीक है। ये नाक का आप लोगों ने इसी तरह 10 टाइम आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो नीचे फैट आई हुई है हमने इसे ऊपर उठाना है और बाहर की तरफ खींचना है, ऊपर उठा के बाहर की तरफ लेके जाना है। थोड़ा रोक के रखें इसे, और जोर के साथ मैंने यहाँ पे लाइटली का है सारा कुछ करना है, यहाँ पर हमने फुल प्रेशर लगाना है। ठीक है, ये उठा के ऊपर बाहर की तरफ, ये फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ये यहाँ से इस तरह से यूँ इस तरह से शेप में आएगा फेस। ये मेरा भी सारा आउट हुआ हुआ है, इसको अब सीधा करना है फेस योगा के थ्रू। अब ये आप लोगों ने 10 टाइम रिपीट कर लेना है बाहर की तरफ। उसके बाद अब यहाँ पे, अब सारी फैट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसे अभी हमने ख़त्म करना है, इसको भी टाइटनेस की इसके साथ लेके आना है यूँ, इसको आपने फुल प्रेशर के साथ यूँ बाहर की तरफ, पहले इसे उठा के यूँ ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से बाहर की तरफ, जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकले हमारे फेस से, जिसने हमारी खूबसूरती को छुपाया हुआ है। फिर ये जो मेकअप से बना रही होती है ना, यहाँ पे अपनी बोन को शो कर रही होती है, वो एक्चुअल में शो करवाना है हम लोगों ने। ठीक है, यूं ऊपर उठा के बाहर की तरफ, अब ये यूं 10 टाइम 20 टाइम आप लोगों ने इसे रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको खींचना है यूं, इसको पकड़ना है ये। ये सारे मसल जोन से है ना मूव कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको मैं बाहर की तरफ खींचा हुआ है। ये आप लोगों ने 10-20 टाइम इसको आपने रिपीट करना है। उसके बाद ये जिनकी ये वाली बोन है सारी, ये छुप जाती है यहाँ फैट की वजह से, बिल्कुल इसे सीधा किया जा सकता है यूँ, आपने इसे पकड़ना है अपनी फिंगर्स के साथ फुल प्रेशर के साथ यूँ। ये यहाँ पर ये आपकी ये बोन ये नज़र आनी चाहिए, ये शेप में आनी चाहिए,
10 to 20 टाइम आप लोगों ने ये रिपीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आ जाती है यहाँ पे, बल्कि थायराइड ग्लैंड वगैरह भी होते हैं उनमें भी मूवमेंट आएगी जब आप इसको यूँ इस तरह से मूव कर रहे हैं। ये मेरा यहाँ पे स्काफ है, अदरवाइज़ आपने ये यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है यूँ दोनों फिंगर्स के साथ। ये साथ साथ सारे ग्लैंड्स भी यहाँ पे, उनमें भी मूवमेंट आएगी, ग्लैंड्स की भी एक्सरसाइज होगी साथ में। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये सारा यहाँ से फैट खत्म करना, ये सारा ये होता क्या है, वेट रिड्यूस करती हैं फाके करके, जिस्म को से तो वो निकल जाता है फैट, लेकिन लेकिन वो उनकी हिप्स पे, बैली पे और यहाँ पे फैट उसी तरह से ही फेस पे रहता है, बट के लटक के यहाँ पे यूँ आ जाता है। तो साथ साथ आपने अपने फेस योगा को भी लेके चलना, और जो वेट एक्सरसाइजेस करेंगे उससे ये चीज़ भी, ये जब हम वेट उठाते हैं ना यहाँ जोर लगता है, ये चीज़ यहाँ की फैट खुद ब खुद ख़त्म होती है और खुद ब खुद इन शेप आती है। मैंने कभी फेस योगा नहीं किया लेकिन मैंने अब इसके बारे में पढ़ा है, इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं और इससे हमारी खूबसूरती भी हम अपनी बढ़ा सकते हैं, इस वजह से ये मैं खुद भी स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों को भी स्टार्ट करवा रही हूँ। अदरवाइज़ ये मेरी सारी फैट ये एक्सरसाइज से बर्न हुई है, ये मैं वेट एक्सरसाइजेज करती हूँ उसकी वजह से, ये जो ये मेरी बोन नज़र आ रही है सारा है ये उसकी वजह से भी है, ठीक है। लेकिन फेस योगा से भी ये सारा कुछ ठीक होगा और मैं भी अब स्टार्ट कर रही हूँ, हम एक महीने बाद इसका रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था, इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।